राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीसी पटेल सनातनी व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। परमात्मा से एक किसान की नाराजगी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए, कभी ओले पड़ जाए, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाया करती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप ओले बाढ़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं, बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया और ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, गलने, हथौड़ी से पिटने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्राखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।